सीलिंग फैन की वाइंडिंग करना तो बहुत ज्यादा आसान है। इसके अंदर कॉयल आप हाथों से डाल सकते हैं, लच्छा कॉयल बना करके मशीन से डाल सकते हैं, लपेट के डाल सकते हैं, मतलब कई प्रकार से इसके अंदर कॉयल डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका जब कनेक्शन करने की बारी आती है तो ज्यादातर मिस्त्री जिसके अंदर से चार तारे ही निकालते हैं, जबकि कंपनियां हमेशा कोई सा भी पंखा ले लीजिए आप उसके अंदर तीन तारे ही मिलेंगे। लेकिन हम लोग तीन तारे क्यों नहीं निकालते हैं? क्योंकि दोस्तों हम लोगों को लगता है डर कहीं इसका कनेक्शन हमसे गलत हो गया, यानी कि कॉमन हमसे अगर गलत बन गया तो इसका करंट जो न्यूट्रल और फेस है वो स्टार्टिंग के ऊपर पहुंच जाएगा, और स्टार्टिंग पर पहुंचने की वजह से लोड सारे स्टार्टिंग पे आ जाएगा जिसके अंदर टर्ने कम होती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमारी स्टार्टिंग की कॉइल फूक जाएगी। रनिंग फूक जाए तो एक बार के लिए स्टार्टिंग बचा करके हम थोड़ा कम में काम चला लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग फूक जाए तो सारे मोटर का सत्यानाश। इसलिए इस डर के मारे कोई भी तीन तारों वाला कनेक्शन अपने पंखों के अंदर नहीं करता है। लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत बारीकी से बताने जा रहा हूं, जिसके अंदर दोस्तों आप ध्यान से अगर समझेंगे तो आप भी अपने पंखे के अंदर तीन तारों से कनेक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं, और आपको यह पता चल पाएगा कि आप कौन सा तार पकड़ेंगे तो आपका पंखा उल्टा चलेगा, कौन सा तार पकड़ेंगे तो आपका पंखा सीधा चलेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा मैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। वैसे दोस्तों कंपनियों के अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर जब तीन तारों का कनेक्शन होकर के आता है तो वहां पे तीन कलर की वायर होती है, लेकिन दोस्तों यहां पर हम दो कलर की वायर ही, यानी कि दो ब्लैक और एक रेड कलर की वायर हम यहां पे इस्तेमाल करने वाले हैं तीन तारों को इसके अंदर से निकालने के लिए। चाहे तो आप तीन कलर का वायर आपके पास में है तो वो ले सकते हैं, तो तीन तारे आपको ले लेनी है इस प्रकार से, और उसके बाद में छोटी छोटी कुछ स्लीवे ले लेती हैं, कम से कम एक से डेढ़ इंच की कटी हुई होनी चाहिए वो। उसके बाद दोस्तों लेने के बाद में आपकी कॉइल स्टैंपिंग के अंदर डली हुई होनी चाहिए, और इसका जो दोस्तों स्लॉट पेपर वगैरह है वो अच्छे से डला हुआ होना चाहिए, और इसके अंदर जो सेपरेशन है यहाँ पे डलता है कॉइलों को अलग अलग करने के लिए, ये भी आपका इसके अंदर लगा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो वाइंडिंग है पूरी तरह से कंप्लीट है पंखे के अंदर। अब हमें इसके अंदर कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन कैसे करना है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको स्लीवों को लेने के बाद में इसके अंदर जितने भी सिरे हैं, यानी कि चार सिरे हैं, दो रनिंग के दो स्टार्टिंग के, इन चारों के अंदर आपको इस तरह से ये स्लीवों को डाल लेना है, इसके अंदर तक फंसा दीजिए ताकि अपनी मर्जी से ये तो कम से कम ना निकले। दोस्तों इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सी तार कहाँ पर है और कहाँ पे अगर जुड़ेगी तो हमें मतलब साफ साफ दिखाई भी देगा। दोस्तों देखिए जैसे कि हम लोग नॉर्मली जब चार तारों से इसका कनेक्शन करते हैं तो सिंपल हम क्या करते हैं, लाल वाले तार को हम रनिंग के अंदर लगा देते हैं इस तरह से ज्वाइंट कर देते हैं, और ब्लैक वाले को अपने स्टार्टिंग के ऊपर लगा देते हैं ज्वाइंट कर देते हैं, और सबको बाहर निकाल देते हैं ऊपर में हमारे पंखे के ऊपर में इस तरह से चार तारें निकली होती हैं, जिसके अंदर हमें दो तारों को कॉमन बना करके एक कर देते हैं, इसके ऊपर हमारी एक मेन की तार आ जाती है, और ये दोनों तारें दोस्तों हमारी चली जाती है कैपेसिटर के ऊपर, जिसके ऊपर हमारा मेन एक तार इसके ऊपर आ जाता है, और ये हमारा ऐसे कैसे बंद हो जाता है। ये हमारे कनेक्शन होती है चार तारों के बीच में। लेकिन अगर हम तीन तारों से इसका कनेक्शन करेंगे तो यहीं पे हम इसका जो ऊपर में कॉमन बनाते हैं वो कॉमन हमारा यहीं पे बन जाएगा दोस्तों। तो कौन सी तार होगी, ये वाली होगी या ये वाली होगी या ये वाली ऐसे होगी या ऐसे होगी, तो किस तरह से इसका कॉमन बनाया जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका कॉमन बनाने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपका पंखा किधर घूम रहा है, यानी कि आपको पंखे को घुमाना किधर है, हैं? जिधर आपको पंखे को घुमाना है उसी प्रकार की आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसका कनेक्शन करना होगा। अगर आप इसको मतलब आंख बंद करके कहीं से भी कहीं का भी तार पकड़ के इसका कनेक्शन कर देंगे तो निश्चित है आपकी मोटर या तो उल्टा घूमने लग जाएगी, और अगर इसको सीधा आप चलाना चाहेंगे तो उसका कनेक्शन आपको एक मेन पे तो आप कॉमन पे देंगे, दूसरा आपका जो कि स्टार्टिंग के ऊपर आ जाएगा, जो कि आपकी स्टार्टिंग के ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से कि आपकी स्टार्टिंग कॉइल जल्दी फूक जाएगी, क्योंकि दोस्तों हमारी स्टार्टिंग के अंदर जब हम वाइंडिंग करते हैं तो इसके अंदर टर्ने कम होती हैं, इस वजह से इसके ऊपर अगर मेन का करंट दे दिया जाएगा तो वो लोड नहीं उठा पाएगा और आपके पंखे का जो कॉइल है वो हीट होने लग जाएगा, स्टार्टिंग फूक जाएगी और रनिंग आपकी बच जाएगी पूरी की पूरी। तो दोस्तों आपको अपने पंखे की कोई भी कॉइल फूकने तो देनी नहीं है, और साथ ही इसको लंबे समय तक हमें चलाना है। तो कैसे इसको किया जाएगा दोस्तों, कैसे कंपनियां करते हैं जो कि उनकी पंखे जो कि सालों साल चलते हैं, इसका दोस्तों तरीका होता है जैसे कि हमारी ये कॉइलें आप देख सकते हैं डली हुई है यहाँ पे, तो आप देखिए स्टार्टिंग की जो कॉइल है हमने यहाँ से शुरू किया था, ये हमारी पहली कॉइल है और ये हमारी आखिरी कॉइल है, ठीक है? जैसे सेपरेशन हमारा यहाँ डला हुआ है तो इधर से हमारी कॉइल शुरू हुई है, ऐसे ऐसे होते हुए इधर से होते हुए यहाँ तक आई हुई है, तो यहाँ पे हमने सेपरेशन ये डाल दिया है। उसी तरह से रनिंग की अगर आप कॉइल देखेंगे तो यहाँ से हमारी कॉइल शुरू है और इस तरह से होते होते यहाँ तक हमारी कॉइल हुई है, यहाँ पे हमारा सेपरेशन यहाँ पे डला हुआ देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक हमारी कॉइलें अलग अलग हैं, लेकिन
यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि जैसे आप स्टार्टिंग की कॉइल डालते हैं तो स्टार्टिंग कॉइल आपने यहाँ से शुरू किया है और आपने रनिंग की कॉइल को जब यहाँ से यानी कि इसके इस तरफ से थोड़ा सा शुरू करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जब शुरू हुआ है तो हम चाहते हैं अगर यहाँ से शुरू करना तो यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा कॉइल, इस तरह से आता है तिरछा, यानी कि जैसे स्टार्टिंग की पहली कॉइल शुरुआत की हमारी ये है तो रनिंग की हमारी ये वाली हो सकती थी, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। जब हम वाइंडिंग करते हैं तो हमारी ये कॉइल चाहे इधर डली हो चाहे इधर डली हो चाहे कहीं भी डली हो, अगर यहाँ से शुरुआत हो रखी तो इससे इस तरफ नहीं बल्कि हम इस तरफ ही डालेंगे अगर हम अपने पंखे का तीन तार से कनेक्शन करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपको चार तारों से कनेक्शन करना है तो आप इसकी कॉइलों को चाहे यहां से शुरू कीजिए चाहे यहां से शुरू कीजिए, इसको चाहे इधर कीजिए चाहे इधर कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तीन तारों से जब आप इसका कनेक्शन करेंगे तो आपको अपनी कॉइलों को यहां से शुरू करना पड़ेगा एक को और दूसरे को इस तरफ से शुरू करना पड़ेगा, जैसे हमने इसके अंदर से शुरू किया है वैसे हल्का सा आपको इस तरह से तिरछा लेकर के करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको इधर कर देंगे इस वाली जगह से, अगर मान लो जी हमारी कॉइलें शुरुआत हो रखी हैं तो आपको इसका कनेक्शन दूसरी तरह से किया जाएगा जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर इस तरह से हमारी कॉइल डली हुई है तो इसका कनेक्शन किस तरह से तीन तारों में किया जाएगा तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों इसका कॉमन का कनेक्शन जो करते हैं हम लोग तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यही हमें देखना होता है कि आखिर हमारे जो पंखा है दोस्तों ये कैसे हमें घुमाना है इसको। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे हमारा ये पंखा होता है ये नहीं घूमता है बल्कि इसके ऊपर जो बॉडी कवर लगा हुआ होता है वो घूमता है। तो दोस्तों ये तो पूरा फिक्स रहता है हमारा रॉड के साथ में छत में लग करके, तो हमारा पंखा कुछ इस तरह से घूम रहा होता है ऐसे, ठीक है, इस तरह से राउंड मार रहा होता है हमारे मतलब इस कवर के ऊपर हमारा पंखा कुछ इस तरह से घूम रहा होता है, पंखड़ी हमारी ऐसे चल रही होती है। यानी कि अगर आप इसके इस तरह से देखेंगे नीचे खड़े होकर के तो आपका पंखा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। इस समय आपके छत के ऊपर पंखा लगा हुआ तो आप देखिए वो आपका पंखा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। इधर को जब घूमता है यानी कि जैसे हमारी घड़ी इधर घूमती है तो उधर अगर घूम रहा है तो वो क्लॉकवाइज है, और इस तरफ अगर घूम रहा है उल्टा घूम रहा है तो इनका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वो उल्टा घूम रहा है। तो इस तरह से तो आप ये पता लगा सकते हैं कि क्लॉकवाइज क्या है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। लेकिन दोस्तों अगर आपको सीधा और उल्टा देखना हो तो भी आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को जिसका आपको उल्टा सीधा पता करना है कि मोटर हमारी उल्टा घूम रही है या सीधा घूम रही है तो आप उसका पता बहुत आसानी से लगा सकते हैं बिना एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज समझे ही, कि आपको अपनी मोटर को अपने इस तरह से सामने रखना है। सामने रखने के बाद में आप जैसे कि आपका ये दायां हाथ है और ये आपका बायां हाथ है तो दायां हाथ की तरफ आपकी मान लीजिए ऊपर से जैसे कि ये हमारी बैरिंग है ये मोटर हमारी है, अगर ये इस तरफ घूम रही है यानी हमारा दायां हाथ इधर है और अगर ये यहां से इधर घूम रही है तो इसका मतलब ये है कि ये दोस्तों हमारा सीधा चक्कर है, ठीक है, और अगर इस तरफ में घूम रही है तो इसका मतलब है कि ये हमारा उल्टा चक्कर है। तो जो हमारे छत के लगे हुए पंखे होते हैं दोस्तों वो उल्टे घूमते हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉक मतलब उल्टा और उल्टा मतलब एंटी क्लॉक, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो पंखा होता है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा घूमता है तो हमें इसका जो कनेक्शन है वो उल्टी साइड में घूमने के लिए करना होगा। तो वो कैसे किया जाएगा दोस्तों, इसका कॉमन हमें बनाएंगे जब यानी कि हमारे कॉमन का सिलेक्शन अगर होगा सही से तभी ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा घूम पाएगा। तो इसको कैसे घुमाना है देखिए, हमें इसके अंदर से एक वायर पकड़नी है कोई सी भी रनिंग की, चाहे ये वाली पकड़ लें हम चाहे ये वाली पकड़ लें। तो दोस्तों इनमें से मान लीजिए हम इसको पकड़ लेते हैं तो हमें अगर अपने पंखे को एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा घुमाना है यानी कि अपने बॉडी कवर लगेगा अगर उसको हमें इस तरह से ऐसे घुमाना है तो हमें इसके साथ में इस वाले तार को पकड़ना पड़ेगा यानी कि हमारी स्टार्टिंग की जो करंट है वो यहां से ऐसे खींचेगी, ठीक है, इधर से जब खींचेगी मैग्नेट इधर से जब खींचेगी तो क्या होगा कि हमारा जो पंखा है ये इधर से ऐसे घूमेगा। लेकिन दोस्तों अगर इसकी जगह पे अगर हम ये कहें कि नहीं जी हम इसको पकड़ेंगे तो हमारा पंखा दोस्तों रेजिस्टेंस जो है ना मैग्नेट इस तरफ से बनाने लग जाएगा ऐसे, जिससे कि हमारा पंखा सीधा घूमने लग जाएगा, जो कि हमारा पंखा अगर सीधा घूमेगा तो उसको कहेंगे कि भैया हमारा पंखा उल्टा घूम रहा है, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा अगर हम इसको पकड़ते हैं तो। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको पकड़ेंगे तो हमारा जो पंखा है दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा यानी कि उल्टा घूमेगा, जिससे कि हमारा पंखा कहा जाएगा कि सीधा चल रहा है सीधा घूम रहा है। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से हम ज्वाइंट कर देंगे और इसके अंदर हम अपनी एक रेड कलर की वायर लगा देंगे जो कि दोस्तों हमारी ये कॉमन की वायर होगी, ठीक है। इसका पॉलिश आपको अच्छे से उतार लेना होगा, अगर बिना पॉलिश उतारे आप इसको मतलब इस्तेमाल में लेंगे ज्वाइंट करेंगे तो आपका पंखा ये सही से नहीं घूमेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके ऊपर आपको लगा देना है इस तरह से तार को, और इधर जो दोनों सिरे बचे हुए दोस्तों इसके ऊपर सिंपली दो कलर की वायर चाहे लगाना चाहे तो दो कलर की वायर लगा लीजिए, नहीं तो एक कलर की वायर है तो एक कलर की वायर भी लगाने से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको केवल ये पता लगाना है कि आपकी मोटर के अंदर कॉमन की वायर कौन सी है। तो रेड आपको पता चल रहा है, आप इसके अंदर दोनों सेम टू सेम तारे लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम भी यहाँ पे दोनों तारे सेम लगा रहे हैं एक ही कलर की, तो इसको हम लगा कर इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे, और ज्वाइंट करने के बाद दोस्तों इस ज्वाइंट को अच्छे से हमें टाइट कर देना है कि लूज ना रहे कि गर्म होने लग जाए बाद में ये, उसके बाद इसको फालतू जा रहा है इसको हम कट कर देंगे।
अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हमने दोनों एक ही कलर की तार यहाँ पे लगा दी, तो हमें बाहर में कैसे पता चलेगा कि हमारी जो करंट है मेन का, यानी कि एक मेन इस पे आएगा और एक करंट हमारा न्यूट्रल का इस पे आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा दोस्तों, हम यहाँ पे एक बार इस तार को क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इस तरह से लंबा सा थोड़ा सा छील देंगे, ठीक है। इसको भी छिलेंगे लेकिन इसको थोड़ा कम छिलेंगे, इससे हमें दोस्तों हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारी तार ज्यादा छिली हुई है ये हमारी रनिंग की है और ये वाली हमारी स्टार्टिंग की है। मेन का करंट हमारा एक इस पे आना चाहिए और एक हमारा इसके ऊपर आना चाहिए, इसके ऊपर दोस्तों हमारा केवल कैपेसिटर का करंट इस पे जाना चाहिए, तभी हमारी मोटर ज्यादा समय तक लंबे समय तक चलेगी, ठीक है। दोस्तों इस तरह से हमारे इस पंखे का कनेक्शन हो जाता है। अब इसका कनेक्शन का जो सिरा है दोस्तों, यहाँ पे हम स्लीव वगैरह चढ़ा करके ऊपर की तरफ निकाल देंगे और निकालने के बाद दोस्तों हम इसका जो है कि दोस्तों फिटिंग कर देंगे और फिटिंग करने के बाद आपको चला के दिखाएंगे बकायदा कि किस तरह से हमारा मोटर बढ़िया से काम कर रहा है। इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, ऐसे ही कंपनियां करती हैं और ऐसे ही आपको भी करना है अगर भविष्य में कभी करते हैं। लेकिन आप कहें कि भैया अगर मैंने इधर वाले तार को ना पकड़ करके मैंने इधर वाले को पकड़ लिया तो क्या होगा, तो भी आपका पंखा जैसे चलना चाहिए वैसे ही चलेगा। यानी कि चाहे आप इसको पकड़ के अपने मोटर का कनेक्शन करें या इसको पकड़ के अपने मोटर का कनेक्शन करें, अगर आपने इसको पकड़ा है तो यहाँ पे कॉमन की तार लगी हुई है, अगर इसको आपके पकड़ लेंगे ऐसे दोनों एक कर देंगे तो ये तार आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ये दोनों तारें आपकी इधर आ जाएंगी, जिससे कि आपका जो कनेक्शन है सेम टू सेम जैसे अभी हो रखा है वही सेम टू सेम इधर भी लगाने पे वैसे ही काम करेगा। इसकी वर्किंग के अंदर मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों इस तरह से हमारी मोटर का कनेक्शन हो जाता है कंप्लीट। अब इसकी तारों को दोस्तों हम ऊपर की तरफ में निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों इसके अंदर हम लगाएंगे स्लीव, 4 नंबर की स्लीव लगाएंगे जो कि दोस्तों हमारे इसको यहाँ पे कवर करके रखेगा। इसको दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं हमारे मोटर का जो कि स्लीव वगैरह लगा करके हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमने एक सेपरेशन लगाया छोटा सा, ताकि इसके ज्वाइंट अगर गर्म भी हो तो इसके नीचे की कॉइलें हैं वो खराब ना हो, ऊपर से भले इसका ज्वाइंट वगैरह खराब होकर जल जाए, जो कि हम दोस्तों दोबारा भी उसको निकाल सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारे मोटर का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है 3 तारों वाला। अब दोस्तों इसके ऊपर वार्निश करके इसको सुखा देंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद हम इसको वापस से फिट करके आपको दिखाएंगे चला करके कि देखिए हमारे पंखा जैसे चलना चाहिए वैसे ही चल रहा है, इसके चक्कर में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर चलिए दोस्तों इसको फटाफट से हम लोग फिट करके देखते हैं और इसको चला करके देखते हैं कि जो हमने इसका कनेक्शन किया है तो क्या अब वो सही चल रहा है, ठीक से चल रहा है या नहीं। तो दोस्तों इसको फटाफट से इसकी फिटिंग कर लेते हैं। यहाँ फिटिंग करने के दौरान हमें सबसे दोस्तों पहले रोटर वगैरह हमारा ठीक से फिट हो रहा है कि नहीं, उसके बाद में इसके पेचों को टाइट करके हल्के हल्के ऊपर से हथौड़ी मार करके इसको फ्री करके अगर जाम हो रहा होगा इनसे है उसके बाद में इसका कनेक्शन कर लेंगे हम। और इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात दोस्तों यही है कि इसके अंदर 2.5 mA का कैपेसिटर आपको लगाना है और इसके अंदर हमने ये जो लंबा वाला तार लगाया है इसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि हमारा मेन का कनेक्शन इसके ऊपर ही जाना चाहिए। मेन का कनेक्शन हमारा एक लाल वाले पे और एक लंबे वाले तार पे जो कि काले वाला है ये हमारा रनिंग का है, इसके ऊपर जाना चाहिए। चलिए दोस्तों इसको चला करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पंखा जिधर चलना चाहिए उधर ही चल रहा है। एक बार हम फिर से हम इसको चला के देखते हैं क्या हमारा पंखा जिधर चलना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से हमारा पंखा चला है और इतना होने के बाद में हमें क्या पता चलता है कि हमने जो इसके अंदर कनेक्शन किया है वो पूरी तरह से ठीक है। आप भी जब अपने पंखे का कनेक्शन करते हैं तो 3 तारों से कनेक्शन कीजिए। इससे फायदा आपको ये होगा कि अगर किसी को अपने पंखे को सीधा चलाना है, हाई स्पीड में चलाना है, बढ़िया से चलाना है, तो उसको सीधा कनेक्शन ही करना होगा, रनिंग के ऊपर ही मेन देना होगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर से 4 तारे निकाल देते हैं तो इससे आपके तार तो एक्स्ट्रा लगेंगे ही, साथ ही साथ दोस्तों उसके अंदर ऑप्शन रहता है कि कोई भी बंदा आपके द्वारा वाइंड की हुई मोटर की स्टार्टिंग को फूंक सकता है उसके ऊपर मेन का कनेक्शन दे करके। यानी कि वहां पे ऑप्शन रहता है कि पंखा सीधा चलाना है तो थोड़ा सा कम चलेगा तो क्या स्टार्टिंग की कॉइल हम इनकी फूंक देंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके साथ इस तरह का धोखाधड़ी ना हो तो आप अपने पंखे का कनेक्शन 3 तार से कीजिए, इसमें आपकी बचत भी होगी और आपका फायदा भी होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय श्री राम।